आज हम आपको एक ऐसे संपन्न राज्य की कहानी सुनाएंगे जिसमें 300 सालों तक की ग्लोरियस हिस्ट्री छिपी हुई है। एक ऐसा एम्पायर जिसे देखकर दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी चौंक जाते थे, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू एम्पायर, जिसे हम विजयनगर एम्पायर के नाम से जानते हैं, जिसकी भव्यता की तुलना उस टाइम के सबसे डेवलप्ड कंट्री रोम से की जाती थी। 300 सालों में विजयनगर कई बार लड़खड़ाया, गिरा, लेकिन फिर ऐसे उठा कि पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। इस राज्य पर कई बार हमले हुए, लेकिन इस दौरान जितने भी राजा हुए उन्होंने हमलों का कड़ा जवाब दिया। विजयनगर एम्पायर की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि उस दौरान ये कभी किसी के अंडर में नहीं रहा। अपने आखिरी समय में भी विजयनगर ने स्वतंत्र होकर राज किया। आज ये एम्पायर खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसके खंडहर भी उस समय के गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। अरब सागर यानी अरेबियन सी से लेकर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल तक भारत के बड़े एरिया में विजयनगर फैला हुआ था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और उड़ीसा प्रदेश आते थे। हिंद महासागर में बसे कुछ आइलैंड्स भी विजयनगर किंगडम के अंदर आते थे और विजयनगर एम्पायर को टैक्स देते थे। उस दौरान श्रीलंका भी विजयनगर एम्पायर का हिस्सा माना जाता था। जब विजयनगर की ग्लोरी टॉप पर थी, उस दौरान इटली, ईरान, पुर्तगाल, फारस और अरब से जो यात्री आए उन्होंने इसे दुनिया का एक ऐसा नगर बताया जहां सारी सुख सुविधाएं थी, धन दौलत थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, महल और किले थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। विजयनगर एम्पायर की करीब हर गली में मंदिर थे। विजयनगर एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट की दो कहानियां सामने आती हैं। एक में कहा गया है कि दक्षिण भारत में मुस्लिमों के हमलों को रोकने के लिए हरिहर और उनके भाई बुक्का को तैनात किया गया था, जो कि होयसल एम्पायर की सेना के कमांडर थे। लेकिन एक जगह ये भी जिक्र मिलता है कि ये दोनों काकतीय एम्पायर में मंत्री थे, और जब होयसल एम्पायर टूट रहा था तब उसके उत्तरी हिस्सों पर हरिहर और बुक्का ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के हमले के दौरान वारंगल में मुस्लिम सेना कमांडर उलुग खान ने इन्हें पकड़ लिया और पकड़कर दिल्ली ले गए, जहां इनके धर्म परिवर्तन का भी जिक्र मिलता है। बाद में जब ये दोनों वहां से छूटे तो ये दक्षिण भारत में पहुंचे, जहां इन्हें एक गुरु मिले जिनका नाम स्वामी विद्यारण्य था, और उन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने फिर से हिंदू धर्म को अपनाया। उस दौरान दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक कमजोर पड़ रहा था, तब दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर एम्पायर की नींव रखी। दोनों भाइयों ने तुगलकी शासन के खिलाफ बगावत के लिए इस राज्य की स्थापना की। ये समृद्ध एम्पायर कर्नाटक में आता है, जिसे आखिरी हिंदू साम्राज्य के रूप में याद किया जाता है। कर्नाटक में बसा हम्पी शहर इस राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जहां आज सिर्फ खंडहर ही देखने को मिलते हैं। ये जगह अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आती है। विजयनगर में कई मंदिरों, मंडपों और तालाबों का कंस्ट्रक्शन कराया गया। इनकी ब्यूटी देखकर आज के आर्किटेक्ट भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। विजयनगर का 300 सालों का गौरवशाली इतिहास है, जिसके कई रहस्यों से पर्दा उठना अभी बाकी है।